subscribe and press the bell icon. वेलकम बैक, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम जो अपने इस क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में उसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पे बेसिक मेथड के साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। ये आप अगर पुराने हैं चैनल पे देख रहे होंगे वीडियो तो जान रहे होंगे, और अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा वहाँ पे साधारण ब्याज SI आल टाइप मैथ ट्रिक सॉल्यूशन करके फोल्डर होगा। उसमें SI से संबंधित साधारण ब्याज सिंपल निकालना, टाइम रेट निकालना, उसके बाद गुना टाइप का क्वेश्चन निकालना, जितने भी तरह के अभी तक क्वेश्चन जो है मैंने दिए हैं टाइप के, वो सभी उस फोल्डर में मिलेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्त, उसका नाम है आपके सामने स्क्रीन पर, जब मूलधन से ब्याज ₹1 ज्यादा या कम मिले। यानी हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे वो ये है कि जब मूलधन दिया हो और मूलधन से हमारा जो ब्याज है वो या तो कुछ रुपया अधिक हो या कुछ रुपया कम हो, इस तरह के सवाल हो अगर साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, तो उसका सलूशन कैसे करेंगे। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको मेरा शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा करे तो, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक से संबंधित आज हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। वो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दाहिने में कोने तरफ आएगा और मैं यहाँ पर के उसका सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला सवाल लेते हैं, देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड का आज का पहला सवाल क्या आ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन बोर्ड पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, विकल्प के साथ होगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है हमारा, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 वर्षों में मूलधन से ₹60 कम ब्याज देता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि धन जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में मूलधन से ₹60 कम ब्याज देता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता लेना चाहूंगा, अगर हमारे इस चैनल पे नए बच्चे जो भी है देख रहे होंगे, कि हम जब भी इस तरह के सवाल लगाते हैं, जब भी साधारण ब्याज में लगाए तो पी को हमेशा हमने 100% माना है। पी को ये हमने माना है, याद रखिएगा, ये हम मानते हैं कि हमने मूलधन को हमेशा 100% माना है, और ब्याज की दर जो SI होती है उसको हमने RT% माना है। RT% मतलब रेट और टाइम का गुणनफल, उसको RT% माना है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज हमेशा हमने माना है और इसी से हमने क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल अपने तरीके से बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सवाल में क्या कह रहा है, हमने पी मान लिया 100% इसमें। अब इस सवाल के हिसाब से हमने इस सवाल के हिसाब से कह रहा है कि पी मान लिया हमने 100%। अब देखिएगा इसमें RT दे रखा है, RT हमारा इस सवाल में दे रखा है। क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में। तो RT हमारा क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों में, तो इसका क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, पी हमने 100% माना है, तो पी का जो 90% है उससे कितना कम है, यानी 100% मूलधन का जो RT है कितना कम है, 10% कम है। कितना कम है, इस 100 से ये 90 है तो ये 10%, तो 10% इज इक्वल टू जो हमारा दिया है कितना कम हो जाता है, 10% इज इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में दिया है ₹60 कम हो जाता है। सवाल में हमारा ये कह रहा है कि 10% इज इक्वल टू ₹60 हमारा है 10%, तो इसलिए हमारा 100% में माना, देखिए इसको हमने 100% माना है, तो इसलिए 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ₹600 हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू ₹600 हो जाएगा। एक तरीके से और देख लीजिए कि कैसे आया है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 10% इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, ₹60 कम हो जाता है, सवाल में हमारे कह रहा है। तो 10% इज इक्वल ₹60 कम होता है, तो हमारे सवाल में कह रहा है कि पी निकालना है, हमको उसमें पी पूछा है मूलधन क्या होगा। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर 60/10 और गुणे परसेंटेज का 100, इसका इससे काट दी 6 हो गया, ये हो गया ₹600। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 600 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 600, यानी हमारा मूलधन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ₹600 होगा। देखिएगा आपके विकल्प में विकल्प दिया हुआ, इस क्वेश्चन का विकल्प सही है, ए इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा ट्रिक
जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उस समय कैसा लगा है ये हमारा साइकिल बताइएगा, बिना किसी लंबा प्रोसेस के बस 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है। मूलधन से ब्याज अगर ज्यादा या कम दिया हो इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये साइकिल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और अगर नए हैं और बहुत मजा आएगा वीडियो अगर देखिएगा तो उसके बाद तय करिएगा कि हाँ हमें इस चैनल से जुड़ना चाहिए, हमें कुछ इससे सीखने को साइकिल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक और सवाल। तो हमारा सवाल कह रहा है कि एक धन 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्षों में मूलधन से 900 रुपया कम ब्याज देता है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें आर क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 7% और टी बराबर आपका कितना दे रखा है दोस्तों, टी बराबर हमारा दे रखा है 10 वर्ष, समय दे रखा है 10 वर्ष और कह रहा है कि कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है 900 रुपया। 900 रुपया क्या कम हो जाता है, कह रहा है 900 रुपया कम ब्याज देता है, यानी कि इस दर से इस टाइम से 900 रुपया कम ब्याज देता है। तो मूलधन पूछा है तो हमने आपको बताया है कि पी को हमेशा 100% मानेंगे और आर टी परसेंट यानी ये सही है हमारा RT% आर और टी इसका हमारा हो जाएगा 10 × 7 = 70%, ठीक है। तो देखिएगा मूलधन से जो आर टी है वो कितना कम है, 30% कम है, क्योंकि ये 100 है और ये 70 है, 30% कम है, ठीक है। तो 30% बराबर जो दिया है कितना कम दिया है 900 रुपया, तो इसलिए मूलधन कब क्या हो जाएगा, मूलधन पूछ रहा है ना, पी पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 900 × 30 × 100। इस 0 से 0 काट दीजिए, ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये 3 इसका 1 0 इसका 2 0 3000 रुपया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000 रुपया इज द राइट आंसर, इसका मूलधन। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन में विकल्प भी आ रहा है, इसका विकल्प कौन सा सही है, सी, सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 3000 रुपया मूलधन है, यानी हमसे पूछा है कि कितना मूलधन है उसका, तो उसका मूलधन है 3000 रुपया, ठीक है। दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा बताया हुआ साइकिल, कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, और चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं कुछ और सवाल। बस मैं आपको एक जरिया बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ बहुत छोटा सा, और आप इसके जरिए इस तरह के कितने भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस है, आप बस इससे प्रैक्टिस कीजिए वीडियो के जरिए, और सवाल आप खुद पे खुद जो है किताब लीजिए, किताब आपके पास जो भी हो राइटर का उसके हिसाब से आप अपना सॉल्यूशन करते रहिए, ठीक है। तो आपको किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं हुई ये मेरी गारंटी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 1200 रुपया कम है, तो मूलधन क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि आर जो है हमारा आर वो 8% है, आर आर हमारा इस सवाल में 8% है, ब्याज की दर 10 वर्षों में, कह रहा है टी इज इक्वल टू 10 वर्षों में जो हमारा ब्याज देता है, कह रहा है वह मूलधन से 1200 रुपये क्या है, कम है। अब जो मूलधन है उससे कम कितना है, 1200 रुपया मूलधन से, तो पूछ रहा है तो वो मूलधन क्या है, इसका मूलधन क्या है जो उससे 1200 रुपया कम दे रहा है, ठीक है। तो ये मूलधन को पता कर रहा है इस सवाल में मूलधन क्या है, तो फिर कुछ मत सोचिए, सीधे उसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए जो हमने बताया है, आरटी परसेंट, यहाँ पी 100% है, आरटी है 10/80% डायरेक्ट कर रहे हैं, और 100% का 80% में कितना कम है, 20% कम है, ठीक है, 20% कम है, तो 20% इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 1200 रुपया, तो इसलिए P इज इक्वल टू डायरेक्ट P निकालेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 × 20 × 100, ठीक है। इस 0 से 0 को काट दीजिए, 2 × 6 = 12 कर दीजिए, 6 × 1 = 0 इसमें और 2 × 0 इसमें, 6000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6000, यानी ये मूलधन कौन सा है इसका, इसका मूलधन है 6000 रुपया। देखिएगा आपके क्वेश्चन का विकल्प सही है डी, डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 6000 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लेते हैं और सवाल कुछ। तो अगर ये साइट पसंद आ रहा हो, मेरा ये ट्रिक बताया होगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दो सवाल में, वरना कहेंगे आ गया, बाद में कुछ थोड़ा सा घूम के आएगा सवाल, मिस हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा सवाल कह रहा है कि यदि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में प्राप्त ब्याज मूलधन से 400 रुपया ज्यादा है तो मूलधन क्या होगा। अब
ज्यादा हो गया। मैंने हेडिंग ही लिखा है जब मूलधन से ब्याज ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो अब कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में आर इज इक्वल टू 10%, टी इज इक्वल टू 12 वर्ष, और क्या कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, इस बार ज्यादा हो जाए। कितना रुपया सवाल में कह रहा है, 400 रुपया ज्यादा हो जाए, 400 रुपया ज्यादा हो जाए तब कह रहा है मूलधन क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई मूलधन से अब ब्याज ज्यादा हो जाए 400 रुपया, ठीक है, अब 400 रुपया ज्यादा हो जाए बड़ा कंफ्यूजन की बात है। तो टेंशन मत लीजिए भाई, जब मूलधन जो एसआई जो है साधारण ब्याज है वो रेट और जो है टाइम पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है, रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा मूलधन 100% से 100 से 101 102 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा ब्याज हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है किस वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, बाकी कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया 100% और ये हमारा आपका फिर से हो गया RT%। RT मतलब एसआई है, ध्यान दीजिएगा, RT% मतलब एसआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो RT मतलब ये हो गया 10 × 12, 12 दहा में 120%। अब देखिएगा 100 का 120% कितना, 100 से ज्यादा है 20% इस बार ज्यादा है, पहले इसके क्या आ रहा था, कम आ रहा था, अब क्या है 20% ज्यादा है, ठीक है। तो 20% बराबर ज्यादा है कितना का, 400 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, वही फंडा है 20 × 100, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 20 हो जाएगा और 2 और 2 जीरो यहां ऐड कर दीजिए, 2000 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा, 2000 रुपया। तो जिस मूलधन पे वो हमको ज्यादा देता है 400, वो मूलधन है हमारा कितना, 2000 रुपया। और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी इज द राइट आंसर, 2000 रुपया, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए, लीजिए एक और क्वेश्चन फटाफट, बैक टू बैक कम समय में, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप करा दूंगा, उसके बाद आप खुद पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके पास अगर बुक होगा, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो टाइम पास करने वाले स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप पूरा वीडियो देखने के बाद जाइए और सवाल लगाइए। अगर आप 100% नहीं किए तो मेरा नाम नहीं, और मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि कभी मिस नहीं करेंगे इस एएमयू क्लास को, कभी भूलेंगे नहीं उस क्वेश्चन को जब आप लगा लेंगे कंपटीशन को। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है सवाल, हमारा कह रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों में प्राप्त ब्याज मूलधन से 6400 रुपया ज्यादा है, मूलधन क्या है। अब रेट 12% टाइम 15, ठीक है, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 15 वर्ष, और ज्यादा कितना हो रहा है, ज्यादा कितना हो रहा है 6400 है कि 6400 रुपया, ठीक है, ज्यादा हमारा हो गया रुपया 6400। तो P का मान फिर से पूछा है, मूलधन क्या होगा, इसमें मूलधन पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मूलधन पूछ रहा है, कुछ और भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको एक्सचेंज करना तो जाहिर है थोड़ा सा एक्सचेंज तो करना ही जाते हैं इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है। तो आइए फिर वही काम करिए, P इज इक्वल टू 100%, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, और हमारे शॉर्ट ट्रिक में बस ये याद रखिएगा P को 100% मानना है और RT% SI को RT% मानना है। तो RT मतलब 15 और 12, यानी 12 × 15 तीन होगा, तो 15 गुना 30 का जीरो हाथ में लगा 3, 15 × 15 और 15 × 3 = 18, 180% हो गया, और 100 से कितना ज्यादा है 180 में 80% ज्यादा है, कितना ज्यादा है 80% ज्यादा है। तो 80% इज इक्वल टू हमारा दिया है 6400 रुपया, तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 6400 बटे 80 × 100, इस जीरो से इस जीरो काट दिए, 8 × 28 = 64, ये आपका हो गया 8, एक यहाँ जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो और है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6400 एक जीरो से जीरो, 8 × 28 = 64, ये हो गया आपका 8000 रुपया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8000 रुपया, यानी मूलधन इसका कितना है 8000 रुपया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चनों के सभी विकल्प आ रहे हैं और सब ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई तरह के कंपटीशन में रेलवे NTPC से लेके UPTET CTET से लेके लेखपाल भर्ती सभी चीजों में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे,
ये हमारा सात्विक कैसा लग रहा है कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, और सात्विक बहुत पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन सात्विक आपको मैं देने वाला। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। सवाल कह रहा है यदि किसी धन का 14% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज मूल धन से 1200 रुपया ज्यादा हो तो मूल धन क्या होगा। रेट है 14%, टाइम है 8 वर्ष। रेट है 14%, टाइम है 8 वर्ष, और ज्यादा कितना होता है, ज्यादा होता है 1200 रुपया। तो पी पूछ रहा है क्या होगा, तब इसका मूलधन क्या है। बस अब मुझे उम्मीद है कि इतना सवाल लगाने के बाद आप थोड़ा भी हिचकिचाएंगे नहीं, वीडियो को पॉज करके 100% सवाल का पूरा करेंगे। तो 14 हो गया और गुणे 8 हो गया, 14 × 8 = 112% हो गया। 100 में 112 से कितना ज्यादा है, 12% ज्यादा है, तो 12% बराबर आपका दिया है 1200 रुपये। तो इसलिए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 × 12 × 100। ठीक है, 12 से 12 को काट दिया, एक बचा, एक और दो जीरो इसका और दो जीरो इसका, 10,000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10,000, यानी इसका मूल धन क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का विकल्प है 10,000 रुपया, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये वीडियो, मूलधन से ब्याज ज्यादा और कम निकालने का शॉर्ट ट्रिक, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो देखने के बाद मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, और इस तरह का कहीं भी कोई सवाल आ जाएगा तो चुटकियों उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखें और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक और कमेंट्स करिए, और आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर साधारण ब्याज का एक और नया टाइप और उसके कुछ धमाकेदार क्वेश्चन विद ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार।